हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज की डेट में ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ये शेयर है जहां पर पैसा डबल होता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा ये शेयर यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ पर ये शेयर अब गिरना नहीं यहाँ पर उठना चाहिए आ, एक

खासा हो रहा है बट अगर हम यहाँ पर देखें स्टॉक स्टॉक यहाँ पर लगातार यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है एक बेहतरीन क्रैश यहाँ पर आज के दिन में भी लगभग शेयर तीन चार परसेंट गिरता हुआ नजर आया था तो एक्जेक्टली exactly हमें करना क्या चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे हम जानेंगे शेयर से रिलेटेड कितना पोटेंशियल नजर आता है ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैंने आज की डेट में इसमें शेयर में बाइंग करी है तो ये मुझे अच्छा लग रहा है शेयर तो आप भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी कर सकते हैं करने के बाद और इसके अलावा अगर आपको हमारे फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक साथ मिल बात करेंगे और बात करके यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और यहाँ पर बात करें कल की डेट की कल की डेट में यहाँ पर दो तीन वीडियो बनाए थे ए अपोलो यहाँ पर सात परसेंट बिरला सॉफ्ट भी दो चार पाँच परसेंट भागा था मैक्स हेल्थ केयर के गिरता हुआ नजर आया था। इसके अलावा सिटी यूनियन और श्रीराम कैपिटल श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों की बात करी थी दोनों यहाँ पर पांच पांच परसेंट छह परसेंट क्रैश होते हुए नजर आए थे तो सिंपल हमें सीखना चाहिए पास से ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन से हमें चीजें समझ में आती है एग्जाम्पल भी दिया था क्यों यहाँ पर गिर सकता है तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया था वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चीजें बट आपको यहाँ पर चीजें सीखनी होगी चीजें सीखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे और हमारा जितना हो सके उतना सहयोग करे उतना सपोर्ट करे और सपोर्ट के लिए कुछ नहीं लाइक करना है कोई क्वारी हो जाए कॉमेंट करना है और शेयर करने की कोशिश करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को एड कर लीजिए और ऑल पे यहाँ पर नोटिफिकेशन लगा दीजिए ताकि हर एक वीडियो हमारी मिलती रहे तो अगर हम बात करें इनफो एज की तो यहाँ पर देखिए बोनस भी आपको मिल सकता है बोनस की बात करें तो काफी टाइम हो गया दो दस में बोनस दिया दो में बोनस दिया और अभी शायद स्प्लिट भी हो सकता है क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत यहाँ पर हाई चल रहा है तो स्प्लिट बोनस कुछ भी यहाँ पर मिल सकता है और यहाँ पर दो बार कंपनी ऑलरेडी बोनस दे चुकी है डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं कहां पर दो हजार में दो दो रुपए का और तीन रुपए का 2020 में और 2021 में दो हजार इक्कीस का, का डिविडेंड तो बढ़ना चौवन कि पर हो, हो रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दो का नीचे आ चुका है दो का सीधे अपसाइड यहाँ पर पोटेंशियल नजर आता है बट इतने ज्यादा रिटर्न के लालच में नहीं हमारा स्विंग ट्रेडिंग का परपज होता है हमारा पर्पज जब 20 परसेंट निकालने का परसेंट के परपज अगर हम निकालते रहते हैं इस तरीके से तो हमारे पैसे कितने बनते हैं वो मैं आपने हमेशा ने वीडियो में बताता हूं दस लाख रुपए एक हजार करोड़ रुपए बीस साल में होते हैं तो इस तरीके को अपने माइंड में रख के काम करते रहेंगे तो द, एक हजार करोड़ रुपए तो केवल शुरुआत होगी उसके बाद जब उसमें कंपाउंडिंग होगी तो राकेश झुंझुन वालों को भी आप दूसरे बिग बुल बन जाए उसको भी आ, कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अलावा हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो यहाँ पर आज की डेट में देख सकते हैं लगभग के शेयर पर डिलीवरी बेसिस पे खरीदे गए हैं काफी कंपनी यहां पर बहती नजर आती है और यहां पर देखेंगे तो कंपनी ने एक्विजिशन भी करी है यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने अलग यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ट्रेवल से रिलेटेड है आपने नाम भी सुना होगा एक्जो ऐसी कोई कंपनी है उसको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर एक्विजिशन करती हुई नजर आ रही है तो कंपनी यहाँ पर एक्विजिशन भी कर

में चल रहा था उस टाइम ये सात हजार भागा था अब अगेन गिर के इसने एक लेवल बना लिया अगेन ये अच्छा पैसा बनाता हुआ नजर आएगा सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो तो इस बार की सेल्स से है वो हाईएस्ट है थ्री सिक्सटी फोर करोड़ मतलब यहाँ पर कंपनी दोबारा काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से इनके सारे बिजनेस थे कुछ बिजनेस ऐसे थे जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर ठंडा पड़ा हुआ था मामला बट अब कंपनी अच्छा खासा कर रही है इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए वो हाइएस्ट लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर हाइस्ट लेवल नेट प्रॉफिट है इसमें अदर इनकम तो देखिए कंपनी का काम ही यहाँ पर अदर इनकम तो ऐड हमेशा होगी अदर इनकम अगर आप ये सोचेंगे कि कंपनी का एक ही बिजनेस है कंपनी इन्वेस्टिंग फॉर्म में है कंपनी को पैसे मिलते रहते हैं जोमेटो का आईपीओ आया वहां से इन्हें पैसे मिले पॉलिसी बाजार का आया वहां से इनके पैसे मिले वो इनकी एक अदर इनकम है तो यहाँ पर ये यह अदर इनकम आती रही आत, यहाँ पर आती रहेगी अदर इनकम यहाँ पर जुड़ती रहेगी और इसी तरीके से यहाँ पैसे बनते रहेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया कि ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा है और यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो हाइस्ट एवर यहाँ पर चल ही रहा है और कंपनी एक अच्छी खासी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है जो कि आप यहाँ पर इनकी सेल्स देख सकते हैं और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे बारह करोड़ का बावन करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दो में चौदह करोड़ हाइस्ट एवर पे पहुंचा है दो में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना यहाँ पर कम था और अभी की बात करें पिछले 12 महीने की तो पिचासी सौ नौ करोड़ जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो अदर इनकम से पैसा आएगा ही क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ पर जब ये कंपनी थी तब इन्वेस्ट किया था अब यहाँ पर कंपनी आ गई है तो यहाँ पर ये फायदा इन्हें होता रहेगा तो और भी कंपनी का आईपीओ आने की पाइपलाइन में है जो इन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी इन्हें शायद पैसा आता हुआ दिखाई दे सकता है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना रिजर्व की बात करें यहां देख सकते हैं रिजर्व जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पांच हजार तिरपन सौ करोड़ के रिजर्व यहाँ पर उन्नीसो करोड़ के रिजर्व हो गए तो कंपनी कंपनी के बढ़ गए है पर कम हो गई ने जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर देखिए तेईस करोड़ से सीधे अठारह करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिजर्व कंपनी का यहां पर बुक अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कंपनी की बोरिंग कुछ भी नहीं है तो ऐसी कंपनी नहीं भागे जिनके पास पैसा ही पैसा रखा हुआ है बस उन्हें कहीं आप हाँ तो इन्वेस्ट करके अच्छा कमाई लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर, पर जो भी काम करती है वहां से पैसा आते ही है आरोपी यहाँ पर कम है बट कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा टॉप पर रहेगा उसे देखने की जरूरत नहीं है इसके इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें थर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट की होल्डिंग है एफ आई की बात करें थर्टी सेवन परसेंट की है यहाँ पर देखिए एफ आई ने होल्डिंग इसका इस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ाई है डी एस की बात करें उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है टू सिक्स से यहाँ पर सिक्स सेवन करी है इलेवन से थर्टीन थर्टीन से थर्टी पॉइंट सिक्स सेवन और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक से शेयर जा रहे हैं तो पब्लिक से शेयर का जाना यहाँ पर पॉजिटिव साइन माना जाता है पर्टिकुलर शेयर के लिए किसी भी शेयर के लिए तो यहाँ पर टेन परसेंट की हिस्सेदारी नहीं है पब्लिक की यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग छह सात परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर ये नजर आती है ढाई परसेंट की यहाँ पर और ये चार परसेंट की हिस्सेदारी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही पांच परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छे हाथों में है सर, काफी बेहतरीन हाथों में है, और नौकरी का आप चार्ट पैटर्न की बात करते हैं सबसे पहले मैं पुरानी बातें करूँगा यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं बार बार शेयर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था फिर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था और यहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ले लो फिर यहाँ बेच दो यहाँ पर ले लो यहाँ बेच दो यहाँ ले लो यहाँ बेच दो इसी तरीके से आप कर्म पर भी चलता हुआ नजर आएगा कि चीजें यहां पर देखिए ऊपर गई ऊपर में अगर आपने बेच दी होगी वेल एंड गोल्ड नहीं बेची होगी तो यहां पर आप शेयर आ गया है। अब क्या होगा अब एक रेंज बनता हुआ नजर आएगी चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट होगी कंसोलिडेट इन द सेंस चीजें थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी और एक साथ यहाँ पर भक्ति भी नजर आएगी तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है और एक लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो गया है यहाँ पर एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अब लंबा कंसोलिडेशन और शेयर उसी प्राइस पे आ गया है जो कि यहाँ पर जो जनवरी में भी चल रहा था उस प्राइस पे अब आ गया है जो प्राइस पर जून में चल रहा था उसी प्राइस पे आ गया तो चीजें ऊपर ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है लॉन्ग टर्म का मतलब यह नहीं होता कि आप यहाँ पर चीजें ले ली लेके पर बैठ गए ओके okay, वो वो करते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा नहीं है तो आपको चीजें यहाँ पर बुक भी करनी होगी और नीचे आने का वेट करना होगा फिर आपको दोबारा हिट करना पड़ेगा उसी टाइम तो आप अगर यहाँ पर हिट करेंगे सॉरी यहाँ पर हिट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा दोबारा बनेगा शेयर 28% यहां यहाँ पर डाउन हो चुका है आज की दिन में भी 2% परसेंट है और कम यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ एक जब इस तरीके की कैंडल कोई तो अच्छा तो और यहाँ पर थर्टी नाइन परसेंट का यहाँ पर अपसाइड यहाँ पर सीधा नजर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो देखिए अच्छे खासे सपोर्ट नजर आते हैं सबसे पहला सपोर्ट तो यही है इसके अलावा इससे पहले भी चीजें देखिए यहीं से भागी थी तो यहीं पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है एक यहाँ पर ही पूरा फेज था तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है इसके अलावा ऊपर के लेवल पर ही सपोर्ट नजर आता है इसके अलावा ये ये दो पॉइंट ये सपोर्ट नजर आते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर रजिस्टेंस नजर आता है चीजें यहाँ से निकलती हुई नजर आती है बट स्टिल ये चीज बिलीव नहीं कर सकते थोड़ी बहुत चीजें और गिरावट अगर मार्केट में ऑपरेटर नाम की चीज होती है वो और शेयर को नीचे ले जाना चाहते हैं तो वो और गिरा देंगे और गिरा देंगे जो यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है वो डर जाएंगे और डर के यहाँ पर तीस की तीस परसेंट गिर गया वो बेच देंगे और फिर तुरंत यहाँ पर भगाते हुए ले जाएंगे तो इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि जो यहाँ फंसे हुए हैं वो यहाँ तो एवरेज करें एवरेज करना शुरू कर दीजिए बाय ऑन डिप्स जो हमारी वीडियोज में हम बताते हैं वो करना शुरू करें अगर वो नहीं कर सकते तो होल्ड करें इसके अलावा यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अगर नीचे आती है तो ये सपोर्ट बनता है पांच का जो कि यहाँ पर प्राइवेट पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे चीजें आती हुई दिखाई देंगी ओके सौ डेढ़ सौ पॉइंट अगर गिर जाता है तो कुछ कह नहीं सकता बट यहाँ पर कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ पर ठीक होती है ओके okay, पर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो आज की डेट में फिर ये कल की डेट में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा थोड़ा सा या फिर कंसोलिडेट तो पर करके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो सबसे पहला टारगेट मैं आपको बताना चाहता हूँ खुद एग्जिट करूंगा देखिए यहाँ पर थर्टी का दिखा रहा है बट मैं थर्टी का वेट नहीं करूंगा मैं इतना वेट करना कोई समझदारी बात नहीं रहेगी क्योंकि चीजें फिर नीचे आएगी तो ट्वेंटी मतलब इस रेंज में यहाँ पर छियासठ और ये अगर रेंज बताऊं चौसठ सौ मतलब से चौसठ सौ से और छियासठ सौ के बीच में यहाँ पर कभी भी मैं एग्जिट करूंगा तो इसके बाद चीजें नीचे आएंगी तो यहाँ पर खरीदेंगे अदरवाइज यहाँ पर चीजें इसी तरीके से चलती हुई नजर आती है थोड़ा कंसोलिडेशन ऊपर ज्यादा नीचे आना ऊपर जाना नीचे आना ये इसमें अब चल सकता है तो इस चीज का वेट करिएगा रिजल्ट तक का वेट करिएगा मुझे लगता है कि अः में या फेम में इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे जो कि दो महीने दो महीने के अंदर अंदर ये शेयर आपको 20 से 25 परसेंट का रिटर्न दे देगा और यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है 20 परसेंट के रिटर्न मिल गए उसमें एग्जिट करो दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है सारे सपोर्ट सारे रजिस्ट्रेंस आपको बता दिए हैं कितने पर मैं एग्जिट करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया है क्या रणनीति रहनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर जो फंसे हैं वो उन्हें क्या करना है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बाकी अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए और इसी तरीके से आपको शेयर यहाँ पर खरीदने खरीदने यहाँ की जगह यहाँ खरीदने तो हमें कॉन्टैक्ट करें इस पर्टिकुलर नंबर पर ओके okay, अच्छा खासा पैसा आप हमारी सर्विस लेके यहां पर कमा कमा पाएंगे और मार्केट में अब बुल रन छू चुका है खत्म हो चुका है याद रखिएगा बुल रन इन द सेंस शेयर की पांच सौ परसेंट होगा छो परसेंट आप कितना अच्छा पैसे कमा सकते हैं वो एक आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही बता पाएगा एक्सपर्ट इन द सेंस जो मार्केट में पर रहता है अगर आप यहाँ हमारी फाइनेंशियल सर्विस ले लीजिए या वीडियो को या हमारी देखा करे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा बाकी लाइक करे कमेंट करे सपोर्ट करे आप सपोर्ट करेंगे हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे अच्छी खासी चीजें आपको फ्री में सिखाएंगे बाकी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस